समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में दूर संचार विभाग से 18 साल पहले रिटायर्ड हुए डिप्टी मैनेजर की मौत हो गई है। उन्होंने मरने से 5 दिन पहले कहा था कि मरने के बाद मुझे जलाना मत, मेरा देह मेडिकल कॉलेज में दान कर देना ताकि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चों को पढ़ाई में मदद मिले और साइंस तरक्की कर सके। पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उनके बच्चे और परिजन शनिवार को शव लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और देह दान कर दिया। इस दौरान परिजनों की आंखें नम हो गईं। सभी ने श्रद्धांजलि दी और देह मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। मृतक कृष्ण कुमार सोनी 78 वर्ष BHEL टाउनशिप के रहने वाले थे। उनका बड़ा बेटा आनंद सोनी BHEL में सीनियर DGM के पद पर कार्यरत है। बेटे ने बताया कि पिता कृष्ण कुमार सोनी दूर संचार विभाग में सर्विस करते थे। 2006 में वह जबलपुर में डिप्टी मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद मेरे साथ ही रह रहे थे। पिता का निधन हो गया। बेटा आनंद सोनी ने बताया कि पिता की इच्छा थी उनके शव का दान किया जाए, इसका वह काफी समय पहले ही निर्णय कर चुके थे। 5 दिन पहले भी उन्होंने इच्छा जताई थी। इसका उद्देश्य यह है कि देह का मेडिकल की स्टडीज में उपयोग हो सके, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स देह से कुछ सीख सके, देह का यूज करके रिसर्च आदि कर सके ताकि मेडिकल साइंस में तरक्की हो सके। एक्चुअली पिताजी की इच्छा थी कि उनका देह दान किया जाए। उन्होंने काफ़ी पहले इसका निर्णय लिया था कि जो भी उनका देह है वो मृत्यु के बाद देह दान किया जाए। एक्चुअली इसका उद्देश्य ये है कि मेडिकल की स्टडीज़ में उसका उपयोग हो सके, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं उससे मतलब सीख सकें बॉडी देख करके, और उस पर जो भी अगर रिसर्च की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए वो यूज़ हो सके, जिससे कि मेडिकल साइंस में और अगर कुछ तरक्की हो सकती है तो वो भी हो सकता है। ये उसका उद्देश्य।